ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेती। मित्रों, अपनी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं चमत्कारी टाइगर आई स्टोन रत्न की। ज्योतिष शास्त्र में लगभग 200 रत्नों की चर्चा की जाती है, परंतु उनमें से 9 महारत्न और 85 उपरत्न ही जाने व पहचाने जाते हैं तथा प्राप्त हैं। 85 उपरत्नों में कुछ विदेशी रत्न हैं, जिन्हें भारतीय रत्न जगत ने मान्यता प्रदान की है। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली उपरत्न की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे हम टाइगर आई स्टोन के नाम से जानते हैं। इस रत्न पर टाइगर के समान पीली और काली धारियां होती हैं, तभी इसे टाइगर रत्न कहते हैं। यह चीते के समान ही त्वरित फल प्रदान करने वाला रत्न है। इस रत्न को राहु, केतु और शनि से प्रभावित व्यक्ति भी धारण कर सकते हैं। यह एक ऐसा रत्न है जिसे कोई भी धारण कर सकता है। जिन व्यक्तियों का व्यापार घाटे में जा रहा हो, उन्हें टाइगर स्टोन शुक्ल पक्ष के बुधवार को अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। टाइगर स्टोन अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तर्जनी या अनामिका में धारण करें तो मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों के विवाह में बाधाएं आ रही हों, उन्हें यह रत्न शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि या गुरु पुष्य योग पर धारण करना चाहिए। जिस लड़की का विवाह हो ना रहा हो या सगाई ना हो पा रही हो, उस लड़की को टाइगर रत्न नाग पंचमी के दिन धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को संतान से संबंधित बाधाएं हो, उन्हें यह रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। शत्रुओं से परेशान व्यक्ति मंगलवार को टाइगर स्टोन धारण कर सकते हैं। जिन बच्चों को बार बार नजर लगती हो, उन्हें टाइगर स्टोन गले में धारण करना चाहिए। यदि आप निरंतर कर्जते जा रहे हो तो शुक्रवार के दिन टाइगर स्टोन गले में धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को नौकरी में समस्या आ रही हो या कार्यस्थल पर टकराव हो रहा हो, उन्हें टाइगर स्टोन रविवार को धारण करना चाहिए। टाइगर स्टोन की माला पहनने से भी अत्यधिक लाभ होता है। यह रत्न शेर जैसा आत्मबल और साहस प्रदान करने में सक्षम है। डरपोक उदासीन व्यक्तियों का यह स्टोन अदृश्य साथी माना जाता है। टाइगर आई रत्न को बिना किसी ज्योतिषी परामर्श के कोई भी जातक धारण कर सकता है। यह रत्न अत्यंत सस्ता है, इसको आसानी से कोई भी ले सकता है। यह रत्न जब अपने पूर्ण प्रभाव में आ जाता है, तब जातक को एक जीवित व्यक्ति की तरह संबल प्रदान करता है। इस रत्न को छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक धारण कर सकते हैं। यह कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।